Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about famine policy during British rule. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिशर्स. लैंड रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बना रहा पूरे ब्रिटिश रूल के पीरियड में. तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोइटेटिव थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अलावा ब्रिटिश के समय में इंडियन एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी हो गया, जिसने पेशेंट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी. इसके अलावा मॉनसून का जो इंडिया का सिस्टम हमेशा से रहा है वो इरेटिक ही रहा है. तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के अंदर फेमाइंस नहीं आती थी, पहले भी इंडिया विटनेस करता रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम फेमाइंस को, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय ये फेमाइंस की फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गई थी. और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के समय ये बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हो रहा था, सो दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा बेटर हो रही थी, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ये फेमाइंस को काउंटर करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई. सो ब्रिटिश रूल के समय में हम लोग उस समय की फेमाइंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. हम पॉलिसी अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें माइंड में रखने चाहिए. अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा सा आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क रहेगा तो आप इनको यूज़ करके थोड़ा डिटेल इनका करके आप आंसर कर पाओगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइंस जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर रही कंपनी के रूल में और देन उसके बाद क्राउन के रूल में, दैट मीन्स एज अ होल जो ब्रिटिश राज रहा उसमें कौन कौन सी सीवियर फेमाइंस रही, उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशंस रहे उनके बारे में हम लोग देखते हैं. सो पहले देखिए ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आया 1769-70 में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सीवियर फेमाइन था ये जब बंगाल में डुअल रूल चल रहा था गवर्नेंस का, डायरकी सिस्टम था उस समय ये ग्रेट फेमाइन आया था. आगे थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं. देन दूसरा गुंटूर फेमाइन 1833 में आया, देन दिल्ली आगरा फेमाइन 1860-61 में, देन ओडिशा फेमाइन 1866 में, देन ग्रेट फेमाइन 1876-78 तक रहा, देन 1896-97 का फेमाइन, एंड देन 1899-1900 का फेमाइन, देन 1942-43 का ग्रेट बंगाल फेमाइन. तो ये कुछ काफ़ी सीवियर जो फेमाइंस आए थे उनके हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं. इसके अलावा और भी कुछ मेजर फेमाइंस रहे और माइनर फेमाइंस तो काफ़ी ज़्यादा, या आप स्कैरसिटीज बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आई इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के समय में. अब कुछ जब सीवियर फेमाइंस आते थे तो उसके बाद कोई कमेटी, कोई कमीशन या कोई इंक्वायरी बिठाई जाती थी. तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए 1866 में जॉन कैम्बल कमीशन आया था, तो हम थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं. ओडिशा फेमाइन काफ़ी सीवियर थी, उसके बाद जॉन कैम्बल का कमीशन बनाया गया और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी. देन स्प्रेची कमीशन 1880 में इसका गठन हुआ था और ये ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876-78 तक जो रहा उसके बाद स्प्रेची कमीशन का गठन किया गया. देन इसी की रिकमेंडेशन के बाद जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी उसी के बेसिस पे कुछ गाइडलाइंस बनाई गई, उसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल फेमाइन कोड ऑफ 1883. देन 1899-1900 का फेमाइन आया, इस फेमाइन के बाद मैकडोनल कमीशन 1901 में इसका गठन किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसके बेसिस पे भी कुछ गाइडलाइंस बनी, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंट फेमाइंस आती रही. कभी कभी अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो उसके इफेक्ट्स को भी थोड़ा काउंटर करने की कोशिश की गई. तो अब हम थोड़ा इसको डिटेल में अब देखते हैं. सो कंपनी का अगर रूल देख लें तो इंडिया में 12 मेजर फेमाइंस आई थी, उसके अलावा 4 सीवियर स्कैरसिटीज विटनेस की गई थी कंपनी के रूल के समय में. सो ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1769-70 जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, डायरकी रूल था उस समय, ये फेमाइन आई थी और इसमें बंगाल की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो पेरिश हो गई थी. तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर फेमाइन ये थी. देन नॉर्थ इंडिया में 1784 में एक फेमाइन आई, देन 1792 मद्रास में एक और फेमाइन को विटनेस किया गया. 1803 में अवध और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर फेमाइन आई और इस फेमाइन के अंदर के समय पे कुछ रिलीफ वर्क भी किए गए थे. देन एक बहुत सीवियर फेमाइन गुंटूर में विटनेस की गई इन 1833. गुंटूर में जब पॉपुलेशन 5 लाख थी उसमें से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी. कंपनी के समय में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लिए गए थे फेमाइंस को रोकने के लिए या फिर फेमाइंस आने के बाद रिलीफ वर्क के लिए. सो ना कोई एफर्ट लिए गए और ना ही किसी तरीके की कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई. सो ये तो पीरियड हो गया कंपनी का. देन हम आते हैं क्राउन के पीरियड में. सो क्राउन का पीरियड देखा जाए तो उस समय 10 सीवियर फेमाइंस इंडिया के अंदर आई. दिल्ली आगरा एरिया में 1860-61 में फेमाइन आई थी. इस समय पुअर हाउसेस को बनाया गया जहां पे रिलीफ वर्क ये पुअर हाउसेस के थ्रू गवर्नमेंट ने किया.
कर्नल बेट के अंडर में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम था कि जो ये दिल्ली आगरा रीजन में जो फेमाइन आई है उसके कॉजेस क्या है, उसके कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हुए हैं और इस फेमाइन की इंटेंसिटी क्या है, इसको देखना है। तो कर्नल बेट ने उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट के बेसिस पे किसी तरीके की कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं की गई। देन उसके बाद ओडिशा में एक काफ़ी सीवियर फेमाइन 1866 में आई। ओडिशा के अलावा बंगाल, बिहार और मद्रास को भी अफेक्ट किया, लेकिन ओडिशा वॉज सीवियरली अफेक्टेड बाई दिस फेमाइन एंड अबाउट 13 लाख लाइफ वर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस फेमाइन ऑफ 1866। तो इस फेमाइन के बाद सर जॉन कैंपल के अंडर में एक कमीशन सेटअप किया गया। अब इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इनकी रिकमेंडेशन में इंक्लूड किया गया एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज को एक्सपैंड किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेहतर हो और ग्रेन्स और बाकी फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। देन इरिगेशन पर्पज के लिए कैनाल्स को बिल्ड किया जाए एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को जिम्मेदार बनाया जाए कि कोई भी अगर प्रिवेंटेबल डेथ है उसको सेव किया जाए। दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई थी। ये जॉन कैम्बल की रिकमेंडेशन थी इनकी कमीशन की। इसके बाद आते हैं 1876 78 की ग्रेट फेमाइन आई। तो जॉन कैम्बल की जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। सो ग्रेट फेमाइन विटनेस की, इंडिया के काफ़ी बड़े एरिया में ये ग्रेट फेमाइन आई थी जिसने मद्रास, बॉम्बे, यूपी एंड पंजाब के एरियाज को अफेक्ट किया और फेमाइन का लेवल इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि गांव के गांव लोगों ने छोड़ दिए थे, गांव अबेंडन कर दिए गए और बहुत जो एरिया जो कल्टिवेबल एरिया था जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा था वो एरियाज को छोड़ दिया गया, वहां पे एग्रीकल्चर करना बंद हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी रिलीफ मेजर्स नहीं लिए गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेथ हुई। आरसी दत्त कहते हैं कि लगभग 50 लाख लोग इस फेमाइन में इनकी मृत्यु हो गई थी विद इन 1 ईयर। तो 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इसके बाद सर रिचर्ड स्ट्रैची के अंडर में एक कमीशन बनाया गया और उस समय लॉर्ड लिटन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड लिटन वॉइस रॉय थे, तो इनके समय पे ये स्ट्रैची कमीशन आया और स्ट्रैची कमीशन की रिकमेंडेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या थी। सो स्ट्रैची कमीशन 1880, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो भी कोई फिजिकली फिट पर्सन होता है फेमाइन के समय में उसको वर्क ऑफर किया जाए, ठीक है। देन दूसरा, अगर कोई पुअर पर्सन है और वो फिजिकली फिट नहीं है उसको इन टर्म्स ऑफ मनी या फूड रिलीफ प्रोवाइड की जाए। देन डिस्ट्रेस एरियाज अगर कोई है जहां पे ऐसा लग रहा है कि फेमाइन जैसी सिचुएशन बन रही है तो वहां पे एक विजिल रखा जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वहां पे फूड की सप्लाई सफिशियंटली हो जाए और वहां से अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था पहले ग्रीन्स का वो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये स्ट्रेची कमीशन की पहली कुछ रिकमेंडेशन हो गई। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि लैंड रेवेन्यू को या तो सस्पेंड कर दिया जाए इन एरियाज के अंदर या फिर उसका टोटली रिमिशन हो जाए। देन फेमाइन रिलीफ की जो कॉस्ट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के शोल्डर्स के ऊपर डाल दी गई कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है कि वो कॉस्ट ऑफ फेमाइन को उठाए। लेकिन इसमें यह भी प्रोविजन लाया गया कि अगर बहुत ज्यादा ये अमाउंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एड भी प्रोवाइड करे टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कैटल्स की माइग्रेशन के लिए भी प्रोविजन प्रोवाइड किए जाए ताकि उनको ग्रासी फॉरेस्ट एरियाज की तरफ ले जाया जा सके और वहां पे कैटल्स को सुरक्षित रखा जा सके। सो ये कुछ रिकमेंडेशन थी स्ट्रैची कमीशन की, जिनको मोटे तौर पे गवर्नमेंट ने सभी की सभी रिकमेंडेशन जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई और इसी के बेसिस पे प्रोविंशियल फेमाइन कोड भी बनाया गया 1883 में और इसने कुछ गाइडलाइंस दी जिसमें प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स दोनों को इंक्लूड किया गया। सो ऑर्डिनरी टाइम में क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा और अगर स्कैर्सिटी या फेमाइन का टाइम आता है उस समय कौन से मेजर्स लिए जाएंगे, उनकी गाइडलाइंस जो है फेमाइन कोड के अंदर प्रोवाइड की गई थी। सारे ऑफिसर्स जो थे उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी फेमाइन के समय में वो डिस्क्राइब की गई थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को वो अंडर स्कैर्सिटी या अंडर फेमाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। देन ये फॉर्मुलेशन के बाद 1896 97 में एक फेमाइन आई, उसमें काफी ज्यादा रिलीफ ऑपरेशंस किए गए और बहुत सारी लाइफ्स को भी सेव किया गया। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे मेजर्स लेने के बावजूद भी सेंट्रल प्रोविंसेस जो बहुत ही बैडली अफेक्ट हुआ था इस फेमाइन से वहां पे काफी ज्यादा लाइफ के लॉसेस देखे गए। लेकिन 1899 90 में 1900 में जो फेमाइन आई
उसमें गवर्नमेंट ने काफी डिले कर दिया अपने रिलीफ मेजर्स में, काफी इनएफिशिएंसी दिखाई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो जाने थी उनका नुकसान हुआ, बहुत नंबर्स में लॉस ऑफ लाइफ्स देखी गई। तो क्योंकि डिले हो गया था, पहले तो इन्होंने स्टार्ट नहीं किए रिलीफ मेजर्स, और जब रिलीफ मेजर्स स्टार्ट हो गए तो बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ये रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड नहीं कर पाया इन सफिशेंट मैनर। सो इसके बाद सर एंथनी मैकडोनेल के अंडर में लॉर्ड कर्जन ने एक कमीशन सेटअप किया, और इस कमीशन ने 1901 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सो देखते हैं कि मैकडोनेल कमीशन 1901 में इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। तो सबसे पहले ये एम्फोसाइज करते हैं मोरल स्ट्रेटजी के ऊपर। सो मोरल स्ट्रेटजी में ये बोलते हैं कि एडवांस में ही फार्मर्स को सीड्स को परचेज करने के लिए एडवांस प्रोवाइड किया जाए, कैटल को परचेज करने के लिए एडवांस प्रोवाइड किया जाए, देन वेल्स को डिग करने के लिए भी एडवांस प्रोवाइड किया जाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को बेहतर बनाया जाए। सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। देन एग्रीकल्चरल बैंक्स को ओपन किया जाए ताकि ये एग्रीकल्चरल बैंक्स एडवांसेस दे पाए इन पेशेंट्स को। देन इरिगेशन फैसिलिटीज को भी इंप्रूव किया जाए, और एग्रीकल्चर में जो नए मॉडर्न मेथड्स हैं उनको लाया जाए, और उसको भी मेथड्स को भी एग्रीकल्चर में इंप्रूव किया जाए। और जिस जिस प्रोविंस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पे रिलीफ ऑपरेशंस काफी ज्यादा एक्सटेंसिव होने वाले हैं, ऐसे प्रोविंसेस में स्पेशली फेमाइन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी मैकडोनल जो कमीशन आया, लेकिन कुछ ज्यादा इनकी इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं, क्योंकि उसके बाद मेजरली दो वॉर्स के बीच में इन्वॉल्व रही गवर्नमेंट। सो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो 1901 से लेकर 1941 तक इंडिया ने काफी ज्यादा फेमाइन और स्कैरसिटीज को फेस किया, लेकिन फिर 1942-43 में एक बहुत ही सीवियर फेमाइन, जिसको हम ग्रेट बंगाल फेमाइन बोलते हैं, 1942-43 में आई, लगातार क्रॉप के फेलियर्स हुए। देन एक दूसरी चीज जो हुई, वर्ल्ड वॉर टू होने के कारण जो बर्मा से राइस का इंपोर्ट किया जा रहा था वो इंपोर्ट रुक गया। सो उसके रुकने की वजह से, प्लस क्रॉप फेलियर सक्सेसिव ईयर्स में होने की वजह से, जो क्रॉप थी फूड क्रॉप्स की कमी हो गई, और ये फेमाइन 1942-43 में आ गया। इन फेलियर्स को, क्रॉप की जो फेलियर हुई थी, इनको एक्नॉलेज नहीं किया समय पे, जिसकी वजह से फेमाइन आ गई, और फेमाइन आने के बाद भी रिलीफ मेजर्स समय पे नहीं लिए गए, जिसकी वजह से लाइफ लॉसेस बहुत ज्यादा हुए, और रिलीफ ऑपरेशन जब स्टार्ट भी हो गए वो भी सफिशियंट नहीं थे, काफी इनएडिक्वेट रह गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा एड प्रोवाइड नहीं की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शोल्डर्स पे ही सब कुछ लाद दिया गया कि सारा रिलीफ वर्क जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कराएंगी। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी बंगाल की, वो इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाई कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, कि वो इतने लार्ज स्केल पे रिलीफ ऑपरेशन चला सके। इस कारण बोला जाता है कि इस फेमाइन में अराउंड 30 लाख डेथ्स हुई थी बंगाल रीजन के अंदर। सो ये एक बहुत ही सीवियर जो है फेमाइन मानी जाती है, ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1942-43। और इसके बाद जो है एग्रीकल्चर की पॉलिसीज वो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर ही बनाई गई, वो सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई, उसके लिए हम लोग एक अलग ही चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते हैं। आप ब्रिटिश इसमें फेमाइन पॉलिसी में जो अलग अलग कमीशंस हैं और कुछ मेजर फेमाइंस हैं उनको ध्यान में रखिए, आपका किसी भी तरीके का आंसर इसमें बन जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ब्रिटिशर्स की, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको फेमाइन और उनको लिंक करके आपको आंसर करना पड़े। सो उन चीज को जरूर, उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उन चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। सो यहीं पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।